प्रभु श्री राम भारतीय समाज के सनातन धर्म की धमनियों में रचे बसे हैं। कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम उनसे भी बड़ा चमत्कारी है, अर्थात राम नाम का महामंत्र वह संभव कर देता है जो स्वयं प्रभु के वश में भी नहीं होता। रामलीला का वह प्रसंग तो इसके लिए सबसे सटीक उदाहरण है, जिसमें जब लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बनाने की बात हुई तो सभी चिंतित हो गए, लेकिन जब बड़े बड़े पत्थरों पर राम नाम रूपी महामंत्र लिख दिया गया तो वह पानी पर तैरने लगा। ये चमत्कार देख सभी आश्चर्य से भर गए थे। राम नाम महामंत्र का जाप आस्थावानों के भीतर अद्भुत उत्साह भर देता है। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के नामों का संयुक्त महामंत्र तो किसी भी कीर्तन स्थल को अलौकिक बना देता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जब ये महामंत्र गुंजायमान होता है तो पूरा माहौल भक्ति से भर जाता है। कीर्तन स्थली पावन लगती है और मन में पवित्रता फैल जाती है। कितनी भी देर कीर्तन में रहे मन नहीं भरता। कीर्तन के बाद लगता है कि किसी अलौकिक दुनिया से निकल कर आए हैं। वास्तव में राम नाम महामंत्र से अद्भुत शक्ति होती है। हे राम, ये एक वाक्य यदि मृत्यु के समय जुबा पर आ जाए तो ऐसी मान्यता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान राम ने जहां अपने नाम से भक्तों को महामंत्र दिया, वहीं अपने जीवन में मर्यादित रहने का संदेश भी दिया। ऐसा नहीं है कि शक्ति प्राप्त होने से मर्यादा भुला दी जाए। राम चाहे भले ही अयोध्या के राजकुमार थे, लेकिन वनवासी बनकर 14 साल उन्होंने जंगल में बिताए। साधारण वस्त्र पहने और पिता की आज्ञा पालन करने का सबसे पहला संदेश दिया। साथ ही ये संदेश भी दिया कि जीवन सादा और सरल होना चाहिए, भले ही वैभव कितना भी क्यों ना हो। श्री राम ने जीवन के मूल्यों, नाते रिश्तों के सही मायने, दोस्ती दुश्मनी सभी के लिए सही क्या है ये बताया। शबरी के बेर खाकर ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करने का संदेश भी दिया। विभिन्न स्थानों पर अस्वानों ने राम नाम महामंत्र का बैंक बनाया है। लोग कॉपियों में राम राम लिखते हैं और उसे बैंक में जमा कराते हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर के समीप ही राम नाम बैंक है, जहां पर लाल रंग के कपड़ों में बंधे हुए राम नाम कॉपियों के बंडल बड़ी संख्या में जमा है। श्री राम नाम का महात्म्य इतना बड़ा है कि स्वयं भगवान शिव भी इसका जाप करते थे। काशी में भगवान भोलेनाथ ने राम नाम महामंत्र का उपदेश दिया था। भगवान हनुमान और लंकापति रावण को भी राम नाम महामंत्र की महत्ता पता थी। तो दोस्तों, ये है राम नाम महामंत्र के कई लाभ। अगर आपको राम नाम महामंत्र के लाभ पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप दिन में राम नाम का उच्चारण कितनी बार करते हैं।